आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अब कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद, श्री कृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर, शाही मस्जिद की जमीन समेत 13.37 एकड़ इलाकों पर दावा, सुनवाई 18 नवंबर को। एयरफोर्स में राफेल की संख्या बढ़ेगी, फ्रांस से 3-4 राफेल जेट नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आएंगे, जुलाई में मिले 5 विमान लद्दाख में तैनात हैं। मोदी बिहार में 12 रैलियां करेंगे, 23 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे मोदी, दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दिन 3-3 रैलियां करेंगे, कुल 110 सीटों पर नजर। नीट यूजी 2020 रिजल्ट घोषित, नीट 2020 का रिजल्ट आया लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट हुई क्रैश, परेशान कैंडिडेट ट्विटर पर निकाल रहे गुस्सा। हाथरस केस की सीबीआई जांच का 6th दिन, विक्टिम का भाई बोला अब यूपी में नहीं रहना, केस दिल्ली ट्रांसफर करें। वर्ल्ड फूड डे, कोरोना के डर ने लोगों को समझा दी हेल्दी खाने की ABCD, पसंद आने लगी घर की थाली। सांसद हुए पॉजिटिव, विजय मांझी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हम उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में लगे थे, अब घर पे रहेंगे। उतार चढ़ाव, सोने की कीमतें 47 रुपए गिरकर 50,665 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंची, वहीं चांदी 461 रुपए बढ़कर 61,996 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। मध्य प्रदेश में दीपिका जैकलिन मनरेगा मजदूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस की फोटो लगाकर फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बना डाले और रकम भी निकाल ली। कार्तिक का कप्तानी से इस्तीफा, दिनेश कार्तिक बोले बैटिंग पर फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ी है। योन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान होंगे।